हम जैसा कहीं आपको दिल भर न मिलेगा हम जैसा कहीं आपको दिल भर न मिलेगा घर छोड़ कर ना जाओ दिल तोड़ कर ना जाओ कहीं घर न मिलेगा हम जैसा कहीं आपको दिल भर न मिलेगा हम जैसा कहीं आपको दिल भर न मिलेगा घर छोड़ कर ना जाओ दिल तोड़ कर ना जाओ कहीं घर न मिलेगा हम जैसा कहीं आपको दिल भर न मिलेगा हेलो दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त भारती यादव और स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सार्थक क्लासेस दरभंगा पर दोस्तों आज हम लोग ए पढ़ने वाले हैं और आज की जो क्लास है वो दूसरी क्लास है एक क्लास ऑलरेडी पिछले क्लास में हो चुकी है और आज दूसरी क्लास है और ये उसी चैप्टर से रिलेटेड है बोले तो ए कक्षा पाँच का एक चैप्टर है बीज 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 जहाँ से सीटेट और अन्य टेट्स में भी क्वेश्चन आते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहाँ से गारंटी है आप सीटेट का पेपर निकाल करके देख लीजिए यहाँ से क्वेश्चन आना लगभग तय रहता है तो आज हम लोग वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं काफ़ी जबरदस्त और बेहतरीन तरीका से और सीधा कसीरा जहन में उतार देंगे बस आखिरी तक आप बने रहें और आप चाहते हैं कि हमारा ऑफलाइन बैच सार्थक सीटेड क्लास की ऑफ़लाइन बैच ज्वाइन करने की तो वो भी बैच शुरू हो चुका है यही 28 फरवरी 2022 से जिसका टाइमिंग है शाम के तीन बजे से लेकर आ साढ़े पाँच बजे तक काफ़ी एनर्जी के साथ और बेहतरीन तरीके से जैसा कि बोलते हैं कि सीधा जहन में उतारते हैं बस वही पढ़ाई फिर से शुरू हो चुकी है और अपना जो एड्रेस है वो न्यू एड्रेस इंस्टीट्यूट का है रोज द मेडिसिटी हॉस्पिटल दिग्घी पश्चिम के सामने मतलब भटियारी सरे वाले रोड में ही है तो अगर आप चाहते हैं कि सिंगल अटेम्प्ट में और अच्छा स्कोर आए सीटेट में विथ कंसेप्ट क्वालिटी के साथ तो तोबस्य ज्वाइन कीजिए हमारा ऑफलाइन बैच सीधा वहीं पहुंचा देते हैं तो बहरहाल शुरू करते हैं एक बेहतरीन तरीके से देखिएगा सब सीख लीजिएगा दोस्त सब सीख लीजिएगा तो आइए शुरू करते हैं बीस 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 जो चैप्टर है उसका आखिरी टॉपिक जो है उस टॉपिक का नाम है देखिए बहुत एक गो नाम नहीं है इसका बहुते नाम है दोस्त बहुते नाम है तो कोनो नाम एग्जाम में पूछ सकता है तो एकदम बने रहिए पेशेंस बना करके अगर बोले अगर सिखा सिखाना देना तो लास्ट में अनसब्सक्राइब करके चला जाइएगा डिसलाइक करके चले जाइएगा क्योंकि दोनों बटन आपके पास रहता है ये पहले बोल देते हैं ये लास्ट में कीजिएगा तो ध्यान दीजिए इधर ध्यान दीजिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है निपेंथिस पौधा या उसी को बोलते हैं दोस्त घट परनी पौधा और नाम है और उसी को बोलते हैं चालाक पौधा उसी को बोलते हैं शिकारी पौधा उसी को बोलते हैं कीट भक्षी पौधा उसी को बोलते हैं मांसाहारी पौधा, तो ये एक ही पौधे के नाम है तो ये नाम भी आपको संज्ञान में रखने हैं चूंकि कोनो नाम पूछ देता है अरे समझ में अब तो ऑनलाइन एग्जाम है भैया किसके नसीब में कौन क्वेश्चन आएगा बहुत मुश्किल मुश्किल है बताना अभी से इसीलिए एक एक चीज पढ़ना अब बहुत ही जरूरी है समझ गए ना तो चलिए वही पढ़ते हैं तो बात करते हैं निपेंथिस पौधा की या घटपर्णी पौधा की या चालाक पौधा की या कीट भक्षी पौधा की या मांसाहारी पौधा की या शिकारी पौधा की इनके बारे में हम लोग बात करें काफी इंटरेस्टिंग है ये तो सुनिए ना ये बात शुरू करने से पहले इनके बारे में कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप इस चालाक पक्षी को निपेंथिस या घटपर्णी पौधा को आप अवश्य देख लें कि दिखता कैसा है तब पढ़ेंगे तो और मजा आएगा तो चलिए आपको दिख रहा होगा ये जितने दिख रहे हैं ना ये सब जो दिख रहे हैं

कि ये ये पौधा के बारे में ये पहला वर्णन हमें कहां से मिला है किस जगह से मिला है अरे समझ में और ये वर्णन अगर कोई किया होगा किया होगा तो वो कौन किया है तो इस सब के बारे में जानकारी लेते हैं तो सुनिए बताते हैं नया चीज सुन रहे होंगे तो सुनिए बताते हैं इसका वर्णन जो है वो एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या जानते हैं नेपेंथिस बिकल काटा डाल्टन हुकर ना, पूरे सबको लपेट लिया है अपने ही नाम में क्या नाम है दोस्त इसका नाम है नेपेंथिस विकल काटा डाल्टन हुकर एक व्यक्ति का नाम है जिसके मोनोग्राफ में सन अठारह सौ तिहत्तर ईस्वी में जिक्र मिला वर्णन मिला और जानते हैं वहीं से इस पौधे का नाम जो है वो नाम रखा गया निपेंथिस. देख रहे हैं इसका नाम है निपेंथिस, बिकल काटा डाल्टन हुकर. तो, का जो नाम है निपेंथिस, तो कहानी निपेंथिस पौधा की या घटपर्णी पौधा की वहीं से शुरू होती है तो आई थिंक आपको पहला पॉइंट जो वर्णन है वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा तो चलिए एक पॉइंट क्लियर हुआ अगले पॉइंट की बात करते हैं अब बात करते हैं कि अरे जो ये पौधा है इतने सारे नाम वाले ये कहाँ मिलेंगे अगर करें इसकी तलाश अगर खोजें कि ये पौधा कहाँ मिलेंगे तो ये, समझ लीजिए कहाँ मिलेंगे ये अपने देश भारत में भी मिलते हैं लेकिन जानते हैं भारत में कहाँ मिलते हैं तो मेघालय है। जो राज्य है मेघालय तो अपने भारत के मेघालय राज्य में भी ये पौधा मिल जाएगा आज भी अवेलेबल है आज भी है तो ये पौधा आप वो मिल जाएगा इसके दर्शन हो सकते हैं तो ये तो वो अपने देश की कहानी देश से बाहर निकलिए तो जानते हैं कहाँ कहाँ इंडोनेशिया जो देश है इंडोनेशिया वहां पर भी ये पौधा चालाक पौधा पाया जाता है और फिर एक देश और है ऑस्ट्रेलिया वहाँ पर भी ये पौधे पाए जाते हैं तो ये चीज़ भी याद रखे रहिएगा कई बार सीटेट में पूछ चुका है दोस्त ये जो क्वेश्चन है ना एक बार दो बार नहीं कई बार रिपीट हो चुका है और अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं तो पूरा चीज अगर आपको पता रहेगा तो फिर हम गारंटी देते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन अगर छूट जाए ना तो फिर बताइएगा एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा मैं सिंगल क्वेश्चन की बात कर रहा हूं इससे जितने सारे क्वेश्चन बनने होंगे इन्हीं से क्वेश्चन आएगा चूंकि सब कुछ बता रहे हैं तो कहां पाया जाता है तो अपने भारत के मेघालय में पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इंडोनेशिया में पाया जाता है और कौन

ये उस जगह भारत के मेघालय की बात करें ऑस्ट्रेलिया की बात करें या इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ पर जो दलदली वाले क्षेत्र हैं दलदली बोले तो जहाँ पर पानी की मात्रा अधिक रहती है जमीन में उसी को नमी बोलते हैं नमी युक्त बोलते हैं तो नमी युक्त या दलदली वाले जो क्षेत्र होंगे भारत के मेघालय ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में वहां ये पौधे पाए जाते हैं घटपर्णी पौधा चलाक पौधा निपेंथिस पौधा जानते हैं दलदली की खासियत क्या रहती है जो दलदली जो क्षेत्र होते हैं ना वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है उसकी कमी होती है तो नाइट्रोजन कम रहता है दलदली वाले क्षेत्र में तो ये पौधा वहीं पर जाकर पनपता है वहीं पर जाकर के उगता है हालांकि इस पौधे को हम आप भी लगा सकते हैं आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत पड़ी तो लगा सकते हैं लेकिन ये बाय डिफॉल्ट वहीं पर पाया जाता है तो क्रिस्टल क्लियर हो गया दोस्त ये वाला कि दलदली क्षेत्र उसी को बोलते अधिक नमी वाले जगह जहां पर नाइट्रोजन की जो एरो नीचे है इसका मतलब ये समझिए कि कमी बता रहा है तो किसकी कमी तो नाइट्रोजन की कमी जहां पर रहती है वहीं पर यह पौधा पाया जाता है तो आई थिंक आपको समझ में क्रिस्टल क्लियर आ रहा होगा अब बात करते हैं दोस्त कि इसका आकार कैसा रहता है तो आपने फोटो देखा होगा फोटो देखा ना तो आपने जो फोटो देखा उसमें देखे होंगे इसका आकार जो रहता है ना कि घड़े के जैसा लंबे घड़े के जैसा आकार ऐसे देखिए ना नीचे से थोड़ा ऐसे फिर ऊपर जाते जाते थोड़ा सा और मोटा हो जाएगा सर्कल की तरह रहता है अरे समझ में जैसे अपने यहाँ घड़ा नहीं होता है जिसमें गर्मी के दिनों में पानी रखते हैं तो काफी ठंडा रहता है तो वही घड़े की मैं बात कर रहा हूँ तो लंबे घड़े के जैसा इसका आकार होता है आ जानते हैं इसमें और खासियत बताते हैं जैसे अपने घड़े में अलग से ढक्कन लगाते हैं लगाते हैं ना इसमें अलग से लगाने की ढक्कन नहीं है उसके ऊपर ऑलरेडी समझ में आ रहा समझिए क्या बता रहे जैसे मान चलिए घाड़ा लंबा घाड़ा ऐसे आया और ऐसे फैला ठीक ऐसे फैला है तो इसी में एक पत्ती नुमा ढक्कन रहता है समझिए इसी में एक पत्ती नुमा ढक्कन रहता है ये जो पत्ती नुमा ढक्कन होता है ना ये रंगीन और चमकदार होता है एकदम चमकते रहता है काफी सुंदर लगता है देखने में आ रहा समझ में तो ये समझ में आ गया कि आकार कैसा रहा तो लंबे घड़े जैसा इसका आकार होता है और पति नुमा ढक्कन भी होता है ऐसे ऐसे ढकने वाला वो लॉक भी हो जाता है वो ढक्कन कैसा रहता है तो रंगीन रहता है दोस्त चमकदार रहता है तो आई थिंक आपको यह भी समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं सिर जिसको सर बोलते हैं उसका सिर कैसा रहता है अरे तो वो लंबे घरे जैसा सिर रहेगा ना ऊपर में इस तरह से सिर रहता है और उन्हीं सिर में चिपका रहता है क्या ढक्कन उसका ढक्कन ये जो सिर रहता है उस सिर को बोलते हैं दोस्त घट बोलते हैं घट घट बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पिचर बोलते हैं पी आई टी सी एच ई -E आर पिचर भी बोलते हैं किसको ये जो घटवर्नी पौधा है इनके सिर को घट बोला जाता है एकदम

चलाक चालाक पौधा है ना एक विशेष प्रकार की खुशबू निकालती है मतलब उनसे एक खुशबू निकलती है जो पूरे वातावरण में फैल जाती है समझ में आ रहा है इन्हीं खुशबुओं से जानते हैं ये जो खुशबू चारों तरफ फैल जाती है तो इन खुशबू को सूंघकर जानते हैं आकर्षित होते हैं या कौन आकर्षित होते हैं वो बताते हैं तो पहले ये समझ लीजिए कि विशेष प्रकार की खुशबू छोड़ता है सीटेट में कई बार ये हो लिखा रहेगा कि यह एक सम्मोहक आवाज निकलता है या विशेष प्रकार की ध्वनि निकालता है तो यह स्टेटमेंट निहायत गलत है इसे एक गलत है ये नहीं ये कोई आवाज़ नहीं निकालता है अरे समझ में ये एक विशेष प्रकार की खुशबू छोड़ती है आ जानते हैं इस खुशबू की खासियत क्या है अब समझिए जैसे ही खुशबू छोड़ा तो ये गाना नहीं सुने हैं कि क्षमा कहे परवाने से कि अरे चला जा मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ जल ही जाता है जिसको जल जाना होता है आ प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है तो ये यही पर लागू ये चीज होता है कि ये तो विशेष प्रकार की खुशबू छोड़ा वातावरण में खुशबू फैल गया और वातावरण में जानते हैं बहुत से चीज रहते हैं उन्हीं में से कुछ चीज के बारे में बताते जैसे समझिए हे कीड़े मकोरे मेढ़क, चूहे, छोटे छोटे जीव इनको वो खुशबू बहुत ही अच्छा लगता है दौड़े चले जाते हैं उसके ऊपर जानते हैं कैसा रहता है ना इस तो इसमें इसके अंदर ना लिक्विड भरा रहता है लिक्विड पानी मत समझिएगा चिपचिपा क्या बोलते हैं उसको चिपचिपा टाइप का रहता है उसे जेल की तरह उसमें रहता है और उसके अंदर में एकदम काफ़ी चिकना स्मूथ रहता है फिसलने वाला तो जैसे ही इसी इसे जो बकलेला है कीड़ा मकोड़ा मेढक चाहे चूहा चाहे छोटे छोटे जीव उसमें जाता है जैसे ही जाता है तो फिसल जाता है उसके अंदर और उस दल उसके अंदर जो जैम रहता है वो लिक्विड के रहता है उसमें अटक जाता है वो उड़ नहीं पाता है और जैसे ही उड़ नहीं पाता है कि ढक्कन भैया तुरंत हो जाता है लॉक अब ढक्कन जैसे ही हो जाता है लॉक तो उसमें जो पड़ा है मेढक हो चाहे चूहा हो चाहे छोटे छोटे जीव हो चाहे कीड़ा मकोड़ा हो बेचारा सबको तो ऑक्सीजन चाहिए ऑक्सीजन चाहिए लेकिन उसके अंदर तो फंस गया ऐसे उसका पतिनुमा ढक्कन जो रंगीन चमकदार है वो लॉक हो गया इस तरह से तो अंदर में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो दम घुटने लगता है ये बैल बुद्धि सबको समझ समझिए परवाना जो है जो क्षमा के पास गया है मरने के लिए उसमें फंस गया है उसको लगा खुशबू होगी मजा लेंगे खुशबू का तो ये और खुशबू है बेचारा उसमें फंस गया लॉक हो गया और ऑक्सीजन के अभाव में दम घुट तरप तरप कर ये जो छोटे छोटे जीव हैं मेडक चूहा है ये दम तोड़ देते हैं ये मर जाते हैं जब मर जाता है पूरी तरह से खत्म हो जाता है उसके बाद ही ये ढक्कन खोलता है तो बताइए चलाक वाला काम किया ना कितना चलाक है जब तक तो मरा नहीं तब तक कैद किया हुआ है मरने के बाद पूरी कहानी जब खत्म हो जाती है पूरा केमिकल रिएक्शन हो जाता है सब पूरी तरह से खत्म हो जाता है तब तो अपना लॉक खोलता है तो चालाक हुआ ना इसीलिए चालाक पक्षी बोला जाता है और उसमें जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जीव जन ये मेढक चूहा जो है वो जो फंस गया तो उसका मांसे ना उसके अंदर जाएगा हालांकि मांस नहीं खाता है तो रीजन क्या वो बताते हैं लेकिन एक एक तरह का मांसे समझिए वो मर गया उसी उसी चीज़ का भक्षण किया इसीलिए कीट भक्षी पौधा बोला जाता है मांसाहारी पौधा बोला जाता है इसलिए इसको बोला जाता है ये शिकार किया ना छोटे छोटे जीव जंतु जीव को मेढक को क्या किया शिकार किया इसीलिए शिकारी पौधा भी बोला जाता है अब समझ में आ गया इतने सारे नाम क्यों हैं तो बताइए ये भी, ये वाला भी पॉइंट अब तो समझ में आ गया अब बात करते हैं कि अरे क्यों ये पौधा क्यों शिकार करता है क्यों जरूरत है इन्हें ये सब करने की ऐसा तो कोई पौधा करता नहीं है फिर इसे क्यों जरूरत है तो क्यों का आंसर ये होगा दोस्तों मैंने पहले भी बताया लेकिन आपने वहां पर ध्यान नहीं दिया होगा कि ये दलदली वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं नमी युक्त वाले जमीन में ये उगते हैं तो वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और इन्हें नाइट्रोजन चाहिए तो ये नाइट्रोजन पाने के लिए नाइट्रोजन लेने के लिए इन कीड़े मकोड़े मेढकों चूहों और छोटे छोटे जीवों का शिकार करते हैं इनसे इनको नाइट्रोजन की जो कमी थी वो कमी पूरी होती है तो अब समझ में आ गया कि नाइट्रोजन की आपूर्ति हेतु कीड़े मकोड़े मेड को चूहों और छोटे छोटे जीवों का ये शिकार करते हैं अब समझ में आ गया होगा दोस्त चलिए क्यों खाता है ये हो समझ में आ गया अब दोस्त अरे खा जब लिया जैसे हम ही आप खाते हैं ना तो खाते हैं तो पेट में जाता है तो पचता है ना पचता है तो पचाने वाला जो अम्ल है सब एसिड जिसको बोलते हैं वो अम्लीय होता है डकार नहीं होता एसिड की तरह तो वो अम्लीय है और यो क्वेश्चन सीटेट ने कई बार पूछ दिया है कि हमारे बॉडी को जो पचाने वाला जो है वो उसका नाम क्या है तो वो वो तो वो होगा अम्लीय एसिड होता है जो पचाने का काम करता है जो कुछ भी खाते हैं इसको कौन पचाता है तो जानते ही जो भक्षण किया है कीड़े मकोड़े मेट कर चूहे छोटे छोटे जीवों को तो इसकी भी पाचन ग्रंथियाँ हैं जैसे अपने अंदर भी पाचन ग्रंथियाँ हैं तो इनके अंदर भी बहुत सारी पाचन ग्रंथियाँ हैं जिसमें और पाचन एंजाइम जो है ये पचाने में वो कीड़े मकोड़े को इस पौधे को मदद करता है अब क्रिस्टल क्लियर हो गया तो चलिए बात करते हैं अब अगले स्टेप में कि क्या यह पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो करते हैं क्योंकि हरे होते हैं हरे पत्ते तो हाँ ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करते हैं अब समझ में आ गया भक्षणों करते हैं नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए लेकिन भोजन ग्रहण करने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है चलिए अब बात करते हैं आखिरी पॉइंट प्रयोग की कि भैया इस इस हम चाहें तो इसका उपयोग कहाँ करें या हमारे किसान लोग क्या इसका उपयोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं सुनिए कैसे सुनिए ना ए, सुन्ये, ए, ए जैसे समझिए कि मान के चलो खेत है तो खेत में गेहूँ हो चाहे धान हो बाजरा हो मूंग हो रे दाल हो कोनो प्रकार की अगर हम खेती कर रहे हैं तो हम चाहते उस खेती में होता क्या है कि कुछ कुछ कीड़े मकोड़े चाहे जीव जंतु कुछ ऐसे होते हैं जो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं तो किसानों को क्या लग जाता है नुकसान हो जाता है तो इसकी भरपाई कैसे होगी इस कंडीशन में किसान लोग क्या करते हैं कुछ घटपरनी पौधा अपने खेतों में लगा देते हैं तो इनसे उसको फायदा क्या मिलता है जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो जीव जंतु थे छोटे छोटे वो फंस जाएंगे जिसका नाम है शिकारी पौधा तो ये शिकार कर लेगा उसके अंदर फंस जाएगा तो बताओ इन तरह के जो नुकसान पहुँचाने वाले जो जीव थे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो भी थे वो इनमें फंस गए मर जाएंगे तो इस तरह से खेती में क्या होगा एक एक तरह का सेफ हो जाएगा ना कि किसान अपने आप को सेफ महसूस करेंगे तो इसीलिए किसान भाई लोग भी इनका प्रयोग अपने खेतों में करते हैं जानते हैं तो हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं या किसान मित्र भी है इनडायरेक्टली लेकिन एक बात और बताते हैं एक क्वेश्चनों सीटेंट पूछा था कि किसान मित्र किसे कहा जाता है तो दोस्तों उसका आंसर होगा केचुआ केचुआ क्या करता है जो मिट्टी होता है जैसे हम लोग खाद का प्रयोग करते हैं बार बार खेतों में तो इससे क्या होता है कि खेतों की उर्वरा शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाती है फसल नहीं अच्छे उग पाते हैं तो उस समय जो किचुआ है ना ये ये किसानों को बहुत फायदा मदद पहुंचाता है ये करता क्या है उसकी मिट्टी को खा लेता है उसके बाद लेटिंग के थ्रू क्या करता है उसको बाहर निकालता है तो वो जो मिट्टी जो जमीन में आता है जानते हैं वो बहुत ही पावरफुल एनर्जी वाला होता है एनर्जी बोले तो मतलब उर्वरा शक्ति कुट कुट कर भरा रहता है और ये समझ में आ रहा है बहुत बेहतरीन होता है फसल को उपजाने के लिए खेतों में फसल लह लहाते हैं और किसान को तो इसी में खुशी होती है इसीलिए तो ये काम कौन कर रहा है किसानों के चेहरे पर ये खुशी कौन प्रदान किया तो कौन प्रदान किया दोस्त तो वो जो केचुआ है केचुआ जिसको अपनी भाषा में अगर बात करें तो चाली भी बोलते हैं तो वो जो केचुआ है वो केचुआ मदद किया तो इसीलिए केचुआ को किसान मित्र भी कहा जाता है और यह क्वेश्चन कई बार सीटेट में भी रिपीट हो चुका है आ क्या इसको भी अगर मैं ये अपनी तरफ से बोल रहा हूं अगर किसान मित्र बोल दो तो कुछ गलत नहीं होगा चूँकि ये भी किसानों को फायदा ही पहुंचाता है तो आई थिंक अब आपको ये जो कहानी थी निपेंतीस या घटपर्णी पौधा या अन्य नाम जो भी है इनके बारे में पूरी कहानी आपके जहन में उतर गया होगा और ये आखिरी टॉपिक था बीज 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 कक्षा पांच का जो ए बी का जो ये आखिरी टॉपिक था तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म हो रहा है तो ये सेशन आपको काफी अच्छा लगा होगा मुझे ऐसा लग रहा है अगर दोस्त अच्छा लगा होगा ना तो अब बोल रहा हूं आपको लाल कलर में दिख रहा होगा सब्सक्राइब तो उन्हें प्रेस कर दें बेल आइकन को भी प्रेस करें उसमें ऑल को आप दबा दें और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दें शेयर भी वीडियो को करें और हमारा ऑफलाइन बैच फेस टू फेस अगर पढ़ना चाहते हैं तो वो सार्थक सीटेड क्लासे दरभंगा में शुरू हो चुका है एकदम न्यू फ्रेश और फाउंडेशन बैच जो सीधा जहन में उतारने वाला और रिजल्ट का तो टेंशन है मत लीजिए यहाँ से रिजल्ट एक बार में होता है तो अगर आप चाहते हैं हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन करें तो आ जाइए डेली शाम के तीन से साढ़े पाँच अभी पहला बैच चल रहा है उसके बाद बहुत ही जल्दी दूसरा बैच भी शुरू होने वाला है मॉर्निंग में तो चलिए दोस्त मिलते हैं फिर अगले क्लास में इसी एनर्जी इसी उमंग और इसी जोश के साथ तब तक सेफ रहिए सुरक्षित रहिए स्वस्थ रहिए मस्त रहिए व्यस्त रहिए जबरदस्त रहिए जय हिंद जय भारत